नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर शर्मिंदगी का करना पड़ा सामना। 15 अगस्त को बिगड़ सकता है अक्षय प्रभास का खेल, क्योंकि सामने होगी वेब सीरीज। याद आए डॉक्टर हंसराज हाथी, फिर हुई सबकी आंखें नम। मिशन मंगल का टीजर आउट, टीजर में दिखी देश प्रेम की भावना, 45 सेकंड में दिखा एक देश एक सपना एक इतिहास। और अब खबरें विस्तार से। रूस ने ये साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित नहीं किया गया है। ये बैठक रूस की पोर्ट सिटी व्लादिवोस्तोक में होने वाली है। हालांकि पाक के प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। कुल मिलाकर 3 देशों के प्रधानमंत्री और एक देश के राष्ट्रपति को इस फोरम में आमंत्रित किया गया है। 2015 में इस फोरम की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विदेशी निवेश लाना था। मंगोलिया के राष्ट्रपति एज बटुलगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को व्लादिवोस्तोक में पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छे कंटेंट ने जहां सिनेमा और टीवी के अलावा मनोरंजन को एक नया विकल्प ही दिया, वहीं दोनों के सामने चुनौती भी बनकर खड़ा हुआ है। इस 15 अगस्त को ऐसा पहली बार होगा जब वेब सीरीज और सिनेमा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। नेटफ्लिक्स के लिए भारत की चर्चित वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर के साथ ही जानकारी ये भी आई है कि सीरीज का प्रीमियर हॉलीडे वीक में 15 अगस्त के दिन होगा। भारत में हॉलीडे वीक सिनेमा कारोबार के लिए काफी अहम दिन माना जाता है और इस दौरान छुट्टी का फायदा उठाने के लिए बड़े सितारों की बड़ी फिल्म रिलीज की जाती है। मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी हंसराज का रोल निभाने वाले एक्टर कवि कुमार आजाद, एक साल पहले 9 जुलाई 2018 को उनका निधन हुआ था। डॉक्टर हाथी के नाम से मशहूर कवि आजाद की पुण्यतिथि पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम अपने सितारे को याद कर रही है और इसके साथ ही इस याद के बाद सभी की आंखें नम हो गई है। फिल्म मिशन मंगल, मिशन मंगल का टीजर आउट। ये फिल्म देश में मिशन मंगल पूरा करने के लिए ऐतिहासिक घटना पर बनी है। टीजर की शुरुआत राकेश धवन यानी कि अक्षय कुमार से होती है। राकेश धवन साइंटिस्ट है और वो अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म में 5 अभिनेत्रियों को एक साथ दिखाया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कुल्हारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन और साथ ही शर्मन जोशी लीड रोल में नजर आए हैं। साथ ही इस फिल्म को 15 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।